आगे बढ़ें और एक और अहम मामले की बात करें तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के करीबी अजीज सुहेल ज़िया बट के ख़िलाफ़ भी नैब में दरख्वास्तें आ गईं। सुहेल ज़िया बट ने साथियों से मिलकर 172 केनाल एराजी पर कब्जा कर लिया। दरख्वास्त गुजार की इस्तेदा पर नैब ने इब्तदाई कार्रवाई शुरू कर दी है। मियाँ नवाज शरीफ के करीबी अजीज सुहेल बट के ख़िलाफ़ भी नैब में दरख्वास्त आ गई है। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़, उनसे मज़ीद बात करते हैं। बताइएगा मज़ीद मुस्तनसर अब्बास इस केस के बारे में क्या अपडेट्स हैं। बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी अजीज सुहेल ज़िया के खिलाफ भी नैब लाहौर में दरख्वास्त मौसूल हो गई है। रायबंद रोड के रिहायशी मोहम्मद अनवर ने नैब लाहौर में दरख्वास्त जमा करवाई और उसके मुताबिक सुहेल ज़िया और उनके दीगर साथियों ने के साथ मिलकर 172 कनाल अराजी पर कब्जा किया और इसकी वजह से एग्जाम से पूरे खानदान को शदीद नुकसान हुआ, जिसकी वजह सुहेल ज़िया समेत दीगर साथियों से उनका कहना है कि अराजी वागुजार करवाई जाए। नैब लाहौर ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए इब्तदाई कार्रवाई शुरू कर दी है और इसके लिए नैब लाहौर के जराये के मुताबिक सुहेल ज़िया भट्ट को जल्द तलब किए जाने का भी इम्कान है। जी सही, बहुत शुक्रिया मुस्तनसर अब्बास, इससे मुतालिक आप हमें बता रहे थे।